Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बतास मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि स्टार तमिल फिल्म इंडस्ट्री के स्टार धनुष की मूवी बतास बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मास एंटरटेनमेंट वाली ये मूवी धनुष का करियर को एक कदम और आगे ले जा चुकी है, उनके मूवी के खाते में एक और ब्लॉकबस्टर ऐड कर चुकी है। बतास मूवी की पूरी अपडेट बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। 15 जनवरी 2020 यानी कि 15 जनवरी 2020 को मूवी को रिलीज़ किया गया था। लगभग 450 स्क्रीन्स पे बजट मूवी का अराउंड 15 से 20 करोड़ के आसपास था। मूवी को थिएटिकल बिजनेस हुआ था 17 करोड़ के आसपास। तमिलनाडु के काफ़ी दिनों से ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आ रही है। अर्ली रिपोर्ट्स 10th डे के अराउंड 5 लाख के आसपास के हैं। टोटल कलेक्शन की बात करूँ तो लगभग 2 करोड़ 57 लाख के आसपास का मूवी ने कलेक्शन किया है। तमिलनाडु की बात करूँ तो मैं आपको काफ़ी दिनों से अपडेट देते आ रहा हूँ। फर्स्ट डे से 5th डे की अपडेट आपने अभी तक नहीं जानी है तो मेरी आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। 6th डे में मूवी ने 2 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है। टोटल कलेक्शन 7th डे में कलेक्शन किया है 2 करोड़ 10 लाख। 8th डे में कलेक्शन किया है 1 करोड़ 80 लाख। 9th डे में कलेक्शन किया है 1 करोड़ 50 लाख। 10th डे में कलेक्शन किया है 1 करोड़ 20 लाख। और मूवी के 10th डे में एक ज़्यादा ड्रॉप इसलिए देखने को मिला क्योंकि साइको मूवी भी रिलीज़ हुई थी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं अगर मूवी का टोटल कलेक्शन देखें तो मूवी ने 35 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन कम्प्लीट कर लिया है। डे 11th यानी कि मूवी का रिस्पॉन्स, वो भी आज के दिन का। आज सैटरडे है, हॉलीडे होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ आज के दिन देखने को मिल सकता है। अगर मूवी 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 36 करोड़ 80 लाख। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी 67 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। वैसे भी धनुष की मूवी जितनी भी आजकल रिलीज़ हो रही है लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। और आप कह सकते हैं कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अगर आप कहें कि वो एक खंभा बन के खड़े हैं, यानी कि एक टावर बन के खड़े हैं जो कि पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं, चाहे वो कंटेंट के मामले में हो चाहे वो हिट के मामले में हो। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ही एक्टर ऐसे हैं जो कि कंटेंट के साथ साथ हिट दे पा रहे हैं, यानी कि उनकी मूवी में कंटेंट भी बहुत अच्छा है और बॉक्स ऑफिस में यानी कि थिएटर में वो बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद उनमें से एक स्टार है धनुष। आपको क्या कहना है बतास मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे एक और बात बता दूँ, ऐसे काफ़ी एक्टर हैं जो कि मूवीज़ कर रहे हैं, यानी कि एक मास एंटरटेनमेंट वाली मूवी नहीं, वो एक मैसेज वाली मूवी कर रहे हैं या एक सीरियस ड्रामा मूवी कर रहे हैं या सीरियस मूवी कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक्टर ऐसे जो ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन धनुष ऐसे हैं जो कि हट के मूवी कर रहे हैं लेकिन उनके बॉक्स ऑफिस में वैल्यू भी उतनी ही इंक्रीज़ होती जा रही है।